हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ MCQ 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिकल्स में चैप्टर नंबर 2 रिसर्च प्लान, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताऊँगा। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनुसाधन परिचारणा क्या होता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइनों को कई नामों से जाना जाता है। रिसर्च की रूपरेखा देना, योजना, ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कई नामों से हम जानते हैं। फ्राइड एंड कलिंजर, कलिंजर नाम है यहाँ पे, ये गलत दे रखा है बुक के अंदर, के शब्दों में अनुसाधन डिजाइन अन्वेषण की योजना स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं और जिसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि अनुसाधन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके और उस पर विविधताओं को कंट्रोल कर सके। यह अनुसाधन यानी रिसर्च की संपूर्ण रूपरेखा अथवा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चीज़ की रूपरेखा सम्मिलित होती है, जो रिसर्च परिकल्पनाओं के निर्माण एवं उनकी परिचालनात्मक आशयों से डाटा के अंतिम विश्लेषण तक का रहता है। संरचना रूपरेखा योजना चरों के परिचालन का प्रतिमान है। विरोचना के डाटा संकलन से विश्लेषण तक प्रयुक्त विधियों को शामिल किया जाता है। सामान्यतः प्रारंभिक में यह योजना अस्पष्ट एवं कामचला होती थी। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता जाता है और गहराई भी में उतरते जाते हैं, इसकी जो गहराई, जैसे यानी किसी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में जितनी भी जनरल एंट्री है आपको वो है, लेकिन उसके अंदर आपको ट्रिक निकालने आ गई तो उसे हम कह सकते हैं कि इसमें हमने कुछ खो जाए, कुछ समथिंग ऐसी किसी भी चीज़ में आप जैसे नेट के एग्ज़ाम होते हैं, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ दी गई वो नेट के एग्ज़ाम में आते हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद हम उसको अंतिम डाटा के रूप में ले जा सकते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि योजना के विकास में क्या, क्यों, कब और कब, कौन और कैसे अनुसाधन करना है से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला का समावेश हो जाता है। एक बंदा था पोलिन वी यंग के अनुसार, रिसर्च डिजाइन अनुसाधन कार्य का एक तार्किक व्यवस्थित योजना एवं निर्देशन है। उसने भी अपनी डेफिनेशन में बताया। और रेगर ई क्रिक के अनुसार, रिसर्च डिजाइन एक योजना है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे डाटा को व्यवस्थित एवं विश्लेषित किया जाना चाहिए। अनुसाधन कार्य को उपलब्ध समय, शक्ति, धन एवं उपलब्ध आंकड़ों से प्राप्त अनुकूल बनाया जा सकता है। अब तक ऐसा कोई भी एक या सही डिजाइन नहीं है कि जो रिसर्च डिजाइन में कई व्यवहारिक तर्क विचार शामिल है जो अनुसाधन कार्य में जाने से उत्पन्न होते हैं। अब तक किसी ने भी सही डिजाइन नहीं दिया है। हम ये नहीं कह सकते किस बंदे का सही डिजाइन है, यानी जो स्ट्रक्चर है वो सही है या रिसर्च किया है वो सही है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलता है। तो हम ये देख सकते हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।